So what's up guys, this is Mohd Bilal. तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ Oppo A76 का। इस फोन पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक Snapdragon 680 का चिपसेट दिया गया है। अब जी वही चिपसेट है जो आपको Redmi Note 11 और Realme 9i में दिया गया है। इस फोन के कुछ माइनस पॉइंट भी हैं और कुछ इसके प्लस पॉइंट भी है। वो कौन से हैं मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ। वैसे इसकी प्राइस जो कंपनी ने रखी है वो 37,000 रखी है, लेकिन आप इसको ऑफलाइन मार्केट में लेने जाओगे तो आपको डिस्काउंट में ये 35,000 में देखने को मिलेगा। अब ये 35,000 में क्या वर्थ इट है, आप इसको लेने की सोच रहे हो तो आप वीडियो को पूरा देखो। वैसे इस वीडियो को जो स्पॉन्सर किया है वो शफी मोबाइल शॉप वाले, ये भी फोन मुझे शफी मोबाइल वालों ने ही प्रोवाइड किया है। आप पाकिस्तान से हो, आपको न्यू या यूज फोन चाहिए हो तो आप शफी मोबाइल शॉप से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। तो ये है ओप्पो A76 का बॉक्स। तो बॉक्स पे कुछ भी नहीं, वही टिपिकल का बॉक्स हमें देखने को मिलता है जो हमें ओप्पो में हमेशा देखने को मिलता है। यहाँ पे ऊपर से ही हमें ओप्पो A76 की ब्रांडिंग मिलती है और जो आज की वीडियो में हमारे पास वेरिएंट है वो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है। इसको भी करते हैं साइड में और देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट कौन-कौन से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते ही यहां पे हमें एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पे हमें इसकी केस और कुछ डॉक्यूमेंटेशन ही देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ, वही चीजें, इसकी केस और यहाँ पे हमें इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे जो चीज रखी हुई है ये इसका सिम इजेक्शन पिन है। तो इसको भी करते हैं हम साइड पे। यहाँ पे हमें कुछ पेपर मेन्यू मिलते हैं, इसको भी हम करते हैं साइड पे। अब देखें इसकी सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी इसकी डिजाइन की जो हमें दी गई है इसके केस पे। ये देखें जैसे इसका कैमरा है वही इसकी डिजाइन हमें दी गई। अमूमन ऐसे प्रिंट्स नहीं करते, तो ये चीज मुझे इसकी अच्छी लगी। वैसे ये सिलिकॉन केस है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। इसको भी हम करते हैं साइड पे और आ जाता है हमारा फोन। फोन को थोड़ा मैं अनरैप कर दूं और करता हूं थोड़ा इसको साइड पे, देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट और कौन से मिलते हैं इस प्राइस कैटेगरी में। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पे हमें एक इसकी टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है और यहाँ पे हमें एक 33 वाट तक वाला इसका पावर एडाप्टर देखने को मिल जाता है। तो बस यही थे इसके बॉक्स कंटेंट। और हमें यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी हैंड फ्री नहीं मिलती, तो कम से कम हैंड फ्रीज दे देते दे तो बहुत अच्छा था, क्योंकि इसकी जो प्राइस है 37,000 रखी गई है। पाकिस्तान में इस प्राइस कैटेगरी में हैंड फ्रीज होती तो बहुत ही अच्छा। तो नहीं दी कोई बात नहीं, खैर। तो यही थी इस फोन की अनबॉक्सिंग। अब मैं इसको थोड़ा सेटअप करके आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशन और अपने ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ इस फोन की अनबॉक्सिंग। अब मैं आपको इसके अपने फर्स्ट इंप्रेशन और ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ। अब देखें सबसे पहले हम इसके डिजाइन की बात करते हैं। तो नो डाउट इसकी डिजाइन बिल्कुल ही प्रीमियम एंड फर्स्ट आप कह सकते हो। फर्स्ट इंप्रेशन में तो इसकी डिजाइन यार मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब देखें इसका जो कलर है, वैसे यहाँ पे आपको इसका एक कलर है ये ग्लोइंग ब्लू है, लेकिन इसका ये ब्लू वाले थोड़े शेड दे रहा है। लेकिन आप इसको किसी लाइट में ऐसे ऐसे करें तो इसके कलर थोड़े आपको व्हाइटिश टोन में देखने को मिलेंगे। नीचे आप देख रहे हैं कोई पिंकिश या व्हाइटिश टोन पे आपको इसके कुछ कलर देखने को मिल जाते हैं। अब देखें कैमरा की बात करते हैं, तो कैमरा का जो बम्प पे आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिया गया है, लेकिन कैमरा के जो सेंसर्स लगे हुए हैं थोड़े इसको बढ़ाकर इसके शेप को बढ़ाकर लगा के दिया गया, लेकिन ये इतना बड़ा कैमरा नहीं है, लेकिन ये इसके शेप को ऐसे बढ़ा करके लगाया गया है को इसकी जो लुक है ना बहुत ही मुझे अच्छी लग रही है। अब देखें इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बैक प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, फ्रंट आपको ग्लास में दिया गया है। अगर इसके पोर्ट और बटन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड पे एक वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दिया गया है, ठीक ऊपर यहाँ आपको सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया। फिंगरप्रिंट स्कैनर में आपको थोड़ा टेस्ट कराना चलूं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड यार मुझे बहुत ही ठीक ठाक लगी, बहुत ही आपको रिस्पॉन्सिव देखने को मिलती है। अगर आप इसके नीचे की बात करते हैं, यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल, एक यूएसबी टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। अब देखें अगर इसके फ्रंट की बात करते हैं, तो फ्रंट यार बहुत ही मुझे प्रीमियम देखने को मिला, क्योंकि आपको साइड पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले में कुछ प्लस और माइनस पॉइंट है, लेकिन आपको यूट्यूबर्स थोड़े कम ही बताएंगे। मैं आपको इसकी जो माइनस और प्लस पॉइंट है सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यहाँ पे आपको 6.56 इंचेस का एक IPS डिस्प्ले दिया गया है और यहाँ पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 90Hz का रिफ्रेश रेट बहुत ही अच्छा है, इस प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाई करता है। और अब आप कहेंगे और ब्रांड्स आपको 120 का देते हैं, लेकिन आप जब भी देखो यार Oppo के डिस्प्ले और ब्रांड से थोड़े बेहतर होते हैं, जैसे कि Infinix से। अब माइनस पॉइंट ये आती है कि यहां पे आपको 1080 के डिस्प्ले पिक्सल्स नहीं दिया गया, 720 डिस्प्ले पिक्सल दिए गए हैं। अब देखें यहां से थोड़ा कम करके और जहां पे आपको एडिंग दी गई है वहां पे आपको 600 निट्स देखने को मिल जाते हैं और 400 निट्स टाइप दिए गए हैं। यही चीज वजह थी कि यहां पे आपको 1080 डिस्प्ले पिक्सल्स नहीं मिलते, 720 के डिस्प्ले पिक्सल्स मिलते हैं। ये इतनी बात माना नहीं रखती, अच्छे ही कलर यार मुझे लग रहे हैं,
बहुत ही 720 और 600 nits टाइप देखने को मिल जाते हैं। जब मैं आपको इसका डेप्थ रिव्यू दूंगा तो वहां पे आपको इसकी इंडोर और आउटडोर विजिबिलिटी भी टेस्ट कराऊंगा। इसमें अभी नहीं दिखा रहा कि ये फर्स्ट इंप्रेशन और इसकी ये सिर्फ अनबॉक्सिंग ही वीडियो है। अब देखें, अब इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस आप अगर इसको गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल भी ना खरीदे। 680 का चिपसेट है मानते हैं, लेकिन आपको यार इतने पबजी ग्राफिक्स नहीं प्रोवाइड करेगा। वैसे मैं आपको इसका कल एक डेप्थ गेमिंग रिव्यू भी देने वाला हूँ। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन और आप वीडियो वो जाके वहां से देख सकते हो। वैसे ये चिपसेट जो है 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे भी बेस करता है। वैसे गेमिंग के लिए ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही तगड़ी और ठीक ठाक मिलेगी इस प्राइस कैटेगरी में। अब इसके कैमरा की बात करते हैं। वैसे यहाँ पे आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है, मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल और दूसरा जो है वो आपको 2 मेगापिक्सल तक दिया गया। अब थोड़ा ओप्पो को चाहिए यार 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे देते तो बहुत ही अच्छा था। इस प्राइस में हमें और ब्रांड्स दे रहे हैं 50 मेगापिक्सल के दे रहे हैं, तो 13 मेगापिक्सल मुझे नहीं थोड़ी समझ में आई 13 मेगापिक्सल क्या है। अगर मैं आपको इसके थोड़े फीचर्स के बारे में बताऊं तो नाइट वीडियो फोटो पोर्ट्रेट भी आपको अच्छी बात है यहाँ पे आपको मिल रही है, अगर टाइम लैप्स एक्सपोर्ट और बहुत बहुत से ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। वीडियो में अगर मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताऊं तो 1080p और यहाँ पे आप 720 तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K का ऑप्शन इस प्राइस में तो बिल्कुल ही मुश्किल है, नहीं कोई और नहीं देते तो इस पर भी आपको कैसे मिल सकता है। सेल्फी कैमरा की बात करते तो 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी कैमरा मिल जाती है। अब मैं आपको थोड़ा इसका कैमरा कैप्चर करके दिखाऊँ फोटो, तो आपके सामने इसकी फोटो तो ठीक ठाक है, इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, बस एवरेज क्वालिटी है इसके कैमरा की। अगर मैं आपको इसके सेल्फी कैमरा के बारे में बताऊं तो सेल्फी कैमरा मैं आपको बताता चलूं तो सेल्फी कैमरा आप सबको पता है कि सेल्फी कैमरा ओप्पो की हमेशा बेस्ट होती है, तो सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छी और ठीक ठाक है। बैक कैमरा आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है और 33 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। अब देखें, अब आप इसको लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप अगर इसको डेली यूज के लिए लेने की सोच रहे हो, आप यार ज्यादातर आप बाहर यूज करते हो तो आउटडोर इनडोर विजिबिलिटी आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली, 90Hz का रिफ्रेश रेट है और डिस्प्ले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन आप अगर इसको गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा और कैमरा के लिए भी मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा। इसकी बैटरी अच्छी है, आपको चार्जिंग बहुत जल्दी इसकी देखने को मिलेगी, 33 वाट तक एक अच्छी आपको चार्जिंग, जब भी आप इसको खत्म कर देंगे तो जल्दी ही आपकी ये चार्ज हो जाएगी और 5000mAh की बैटरी बड़ी होती है। तो मुझे लगता है ओप्पो ने सिर्फ इसको जो डेली यूजर्स के होते हैं जिसके लिए गेमिंग कैमरा माना नहीं होती ये उनको ही टारगेट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ही है या नहीं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। तो आज की वीडियो में इसकी सिर्फ अनबॉक्सिंग थी, आपको वीडियो कैसे लगी तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। आज की वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक लाफेस।